सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिले के मंडलों में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। सिंगरौली मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग बंटी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोरवा बस स्टैंड के समीप चीन के दलाल कमलनाथ देश का गद्दार कमलनाथ का नारा लगाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया और कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में चीन के माल का आयात शुल्क पर कटौती कर भारतीय कुटीर लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध किया है। भाजपाइयों के द्वारा बताया गया कि कमलनाथ ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए आर्थिक गद्दारी का पाप किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए रोज मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुतला दहन किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग व कई पार्षद मौजूद रहे। आप भी जानते हैं कि देश के आज जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है कि आज चीन हमें ही आंख दिखा रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से चीन को उसकी औकात दिखा दी कि वो आज घुटने पे आ गया है। आज कमलनाथ का पुगला इसलिए फूंका जा रहा है कि जिस समय कमलनाथ कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई प्रकार की यहाँ भारत देश में छूट दिलवाई, कई प्रकार से उन्हें फायदा पहुंचवाया और उस फायदे के एवज में उन्होंने चीन से अपने पार्टी फंड के लिए पैसा लिया। जैसा कि एक अभी आपको मालूम होगा कि चीन उच्चायोग से 90 लाख रुपए का फंड कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है और वो भी राजीव गांधी फंड करके नाम इन्होंने खाता खोला हुआ है, उनके खाते में गया है। इस प्रकार से धांधली करके देश को हमेशा से चूसने काम करते आ रहे हैं, जिसके कारण आज हमें विवश होकर के कमलनाथ जी का पुतला फूंकना पड़ा। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।